जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। तुमका बोर्ड वाला कुछ बोर्ड फटी दूर तुम्हारा क्या कुछ मैं नारा लगाऊंगा। मैं मातृशक्ति से भी गुजारिश करूंगा और इसमें तो ये देश का ध्वज लहराया जा रहा है, इसमें गुजारिश करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत। अपनी अपनी चाहत से अपनी खुशी से इस झंडे को लहराना पसंद करते हैं तो इसलिए मैं फिर लगाऊंगा एक नारा और नारे का जवाब मुझे मिलेगा जरा जोर से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबों को इस बात की खबर है कि 75 साल की आजादी के मौके पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पूरी सरकार ने इस बार ये फैसला किया कि यह त्योहार के तौर पर को बड़ी शान और धूमधाम से यहाँ का हर हिंदू मुसलमान सब बड़े जोश से इस झंडे को। ये बड़ी खुशी है कि जितनी मोहब्बत यहाँ रिंकू जी कर रहे हैं उतनी मोहब्बत यहाँ गुलाम मोहम्मद जी भी कर रहे हैं और रुस्तम काक भी कर रहे हैं और बिला शुबा इश्तियाक वानी भी कर रहा है। अगस्त के दिन शायद ही देश में 21 करोड़ घरों पर मेरी माताओं बहनों ये देश के 21 करोड़ घरों पर ये झंडा उस दिन हर घर पर लहराएगा और बड़ी शान से लहराएगा। और उनसे आपके माध्यम से अपील है कि बड़ी शान से जाइए, आप इस झंडे को हासिल कीजिए जिन मेरे गरीब भाइयों के से कि झंडे हमारे पास पूरे खुले और बेशुमार पड़े हैं। बच्चों को ये हमारा काल का मुस्तकबिल है, ये बच्चे भी बड़े शान से जब आज से ही इस तिरंगे को अपने सीने के साथ लगाए हुए हैं तो हमारा जो भारत है वो सेफ हैंड में है। एक बार फिर भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए कितनी सुंदरता से ये दिल से आवाज निकल रही है। मैं आप सीम जी आपका भी स्वागत करता हूँ, गुलिस्तान का भी स्वागत करता हूँ कि आपने अक्सर इस तिरंगे के लिए अपनी मुहिम हमेशा पहले से ही चलाई है। आज नहीं बल्कि आपने 3 मई को भी एक बाइट मुझसे ली थी और मुझे उसका भी मुबारक आपको आज देना है। और आज 26 हमारे 15 अगस्त को पूरे देश के हर घर पे तिरंगा सजेगा, ये 75 साल पूरे होने के मौके पर नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी पूरी टीम ने ये प्रयास करने के बाद इस तरह इस समय हमारे हाथ में ये झंडे पहुंचे हैं और इस झंडे को सभी लोग बड़ी शान और शौकत से लहराने के लिए बिल्कुल इंतजार में हैं कि 15 अगस्त कब आएगा। लोगों ने तो झंडे पहले से ही अपने घरों पर, अगर आप बाद में कैमरा अपना दाएं बाएं घुमाएंगे भी हर घर आपको लगेगा गांव घर। ये एक इलाका बहुत पीछे, ये भद्रून गाँव है, इस समय ये हमेशा देशभक्त लोग रहे हैं, ये इस गाँव की पहचान यही है। और इसको थोड़ा कुछ टाइम पर नज़रअंदाज किया गया और लेकिन इस गांव में अक्सर लोग सैर के लिए, शांति के लिए, बड़े अपने आप को सुकून पाने के लिए इस गांव में आया करते थे, मुद्दे तो आया करते थे लेकिन फिर कुछ राजनीति के कारण या किस कारण इस गांव को नज़रअंदाज किया गया। लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि इस गाँव में हर घर से हर बच्चा आया है, छोटे छोटे बच्चे आए हैं जिन्होंने हाथ में तिरंगा पकड़ा है और ये तिरंगा अब लहराएगा। और आपने कहा कि इसका इसका एक ही मिशन है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान से बोलूंगा मैं ये झंडा ऊंचा रहे हमारा। कि हमारे देश को 75 इयर्स हो गए आज़ाद हुए और ये बहुत गर्व की बात है कि हम इस देश में रहते हैं। और दूसरी बात, जो ये भारत सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है कि हर घर में झंडा होना चाहिए, और हाँ होना चाहिए हर घर में, ताकि ये भी पता चले लोगों को कि हम किस देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में हमारा देश है। और यही कहना चाहूँगी कि जो हम भद्रून, ये तो बहुत छोटा सा गांव है भद्रून गांव, तो हम ये चाहते हैं कि इस जो जितने भी गांव है, जितने भी घर है, उस घर में हर मतलब हर छत पे खुशी महसूस कर रहे हैं हम तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं।
कि सरकार की तरफ से जो 75 साल पूरे होने पर जो मुहिम चलाई जा रही है, आज से पहले हमने अपनी एज में कभी ये चीज़ नहीं देखी है, तो आज पहली बार ये चीज़ें हो रही हैं हर गांव में, हर घर में। आज हम जहां भी जा रहे हैं, जैसे हमने बहुत सारी जगहों पे देखा, गाड़ी बाइक्स वगैरह हर जगह पे जो है तिरंगा लहराया जा रहा है, तो इससे पहले हमने कभी ये चीज़ नहीं देखी थी। तो बहुत सारे लोग जितने भी हैं अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाया हुआ है, तो बहुत खुशी हो रही है कि इतने सालों बाद हमें ये मंजर देखने को मिला है। बिल्कुल, जिस तरह से आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि हर घर तिरंगा मुहिम जो चलाई है, वहीं पर अगर हम जिला डोडा की बात करें, जिला डोडा के अंदर भी काफ़ी जज्बे के साथ नेशनल फ्लैग अपने घरों के ऊपर सब लोगों ने लगाए हैं। और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से भी एक रैली निकाली गई थी, यही अवेयरनेस दी गई थी लोगों को कि किस तरह से हमने नेशनल फ्लैग अपने घरों के ऊपर लगाने हैं। स्कूली बच्चों ने रैली निकाली, तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे। वहीं पर अगर हम कल की बात करें, तो कल भारतीय जनता पार्टी के लीडर इश्तियाक वानी जी जो डोडा गठ के रहने वाले हैं, और डोडा गठ के अंदर ही उन्होंने एक रैली निकाली थी। रैली के साथ साथ लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर किया गया बदरून के इलाके में, और लोगों को नेशनल फ्लैग भी दिए, और लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए। लोगों से जब अपने खास बातचीत की, उनका यही कहना था कि भारत सरकार की तरफ से पहली दफ़ा इस तरह का डिसीजन लिया गया है आज़ादी के जिस तरह से 75 साल पूरे हो रहे हैं। उम्मीद यही करेंगे कि आप भी अपने घरों के ऊपर नेशनल फ्लैग लगाएंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा।